हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूवी कॉम्पिटिशंस में स्वागत करता हूं। साथियों, मेरे राजस्थान विद्युत विभाग भर्ती 2021 की परीक्षा, जिसके लिए संशोधित विकल्प, संशोधित नोटिस बार बार आ रहे हैं। साथियों, इसी कड़ी में जो कि 2370 पदों के लिए भर्ती परीक्षा होगी, जिसे राजस्थान RVUNL राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड आयोजित करा रहा है। साथियों, इसके लिए एक नया नोटिस आया है। नया नोटिस जो हम मिला है वो मिला है 14 जून को। इस नोटिस में क्या है खास, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। साथियों, नोटिस में स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन किस विषय में से कितने कितने प्रश्न आएंगे और क्या रहेगा अंकों का भार, साथ ही साथ टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, टाइम के अलावा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। नोटिस का भाग जो है वो हम आपको बताएंगे कि नोटिस में क्या क्या लिखा हुआ है। साथ ही मेरे वीडियो पूरा देखें, कंप्लीट वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और आपको सभी वह जानकारी मिलेंगी जिनका आप सभी को इंतजार रहता है। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं हमारा वीडियो। वीडियो की बात करें तो 5 बिजली कंपनियां हैं, RVPN, JVVN, AVVN, JDVVN, RVN। इन 5 विद्युत कंपनियों के लिए 2370 पदों पर भर्ती होनी है। कितने? 2370 पदों पर। इनके लिए एक संशोधित जो नियम है, संशोधित भर्ती में जो नियम किए गए उनके उपरांत स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन प्रस्तुत की गई है। साथियों, यह स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, अकाउंट ऑफिसर, पर्सनल ऑफिसर इत्यादि के लिए प्रस्तुत की गई है। अभी हाल ही की बात करें तो अभी दोबारा से फॉर्म रीओपन हो चुके हैं। रीओपन के लिए हमने वीडियो बनाए, आप वीडियो देख सकते हैं। फॉर्म रीओपन हो चुके हैं जो कि 21 जून तक रीओपन है, लास्ट डेट 21 जून है। साथियों, इस भर्ती परीक्षा को 15 अप्रैल से पहले आयोजित हो जाना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इसको डिले किया गया। साथियों, जो नोटिस निकाला गया उस नोटिस में स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या था और क्या था मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, साथियों हमारा एक वीडियो है जिसमें हमने सिलेबस के बारे में बात की थी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स किस प्रकार से डिवाइड किए गए हैं। साथियों, मेरे 2 पार्ट में एग्जाम होगा, पार्ट ए और पार्ट बी, यानी कि 2 पार्ट में एग्जाम है। पहला पार्ट ए है, उसमें 60% का वेटेज है, पार्ट बी का 40% का वेटेज है। यानी कि पार्ट ए 60% का वेटेज था, पार्ट बी 40% का वेटेज है। साथियों मेरे, जो पार्ट ए है वो आपकी प्रोफेशनल लैंग्वेज से संबंधित है, जो आपने फॉर्म भरते टाइम अपनी ट्रेड जो भरा है, ट्रेड का मतलब है कि आपने कौन सी ब्रांच से भरा है, इलेक्ट्रिकल से भरा है, मैकेनिकल से भरा है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से भरा है, सिविल से भरा है, तो वो आपकी क्या हुई प्रोफेशनल नॉलेज। प्रोफेशनल नॉलेज का जो 60% वेटेज है उसमें 60 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 60 क्वेश्चन, जो कि 120 मार्क्स के होंगे। 60 क्वेश्चन 120 मार्क्स, और इनके लिए 60 मिनट का समय मिलेगा, एक घंटे में 60 क्वेश्चन करने 120 मार्क्स के, जो भी आपकी प्रोफेशनल लैंग्वेज है, प्रोफेशनल नॉलेज है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स IT जो भी है उसका। दूसरा आएगा पार्ट बी। पार्ट बी में 5 चीज़ें डिवाइड की गई है, 5 चीज़ों में रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, जिसके 8 क्वेश्चन मिलेंगे, 8 मार्क्स के, 8 नंबर के 8 क्वेश्चन। दूसरा पार्ट जनरल नॉलेज, GK एंड एवरीडे साइंस, जिसमें पार्ट ए है GK रिलेटेड विद राजस्थान, इसमें 36 क्वेश्चन मिलेंगे, 36 मार्क्स के। साथियों, राजस्थान GK का विस्तार हो चुका है, तो राजस्थान GK आप हमारे साथ पढ़िए, हमारा 2500 प्लस का क्वेश्चंस पढ़िए, डेफिनेटली आप जयन बन जाएंगे, जयन बन जाएंगे। इसके अलावा GK रिलेटेड टू वर्ल्ड, इंडिया एंड एवरीडे साइंस, जिसमें 12 क्वेश्चंस मिलेंगे, 12 मार्क्स के। हिंदी, जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी, 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स। जनरल इंग्लिश 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स। मैथमेटिक्स 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स। टोटल जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पार्ट ए और पार्ट बी में, टोटल क्वेश्चंस कितने हुए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 क्वेश्चन आपके पार्ट बी में हुए और 60 क्वेश्चन आपके पार्ट ए में हुए।
टोटल 140 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और टोटल मार्क्स कितना हुआ? मार्क्स हुआ आपका 200, यानी कि पहले जो एग्जाम था वो था 100 मार्क्स का, अब एग्जाम हो गया 200 मार्क्स का। टाइम है आपका 2 घंटे का, समय आपको कितना है 2 घंटे का, और आपका 200 मार्क्स का एग्जाम है। साथियों मेरे पार्ट बी सब सेक्शन है, इसमें सब सेक्शंस भी क्रिएट किए गए। तो इस बार क्या हुआ, पार्ट ए और पार्ट बी जो आपके मार्क्स थे वो बढ़ा दिए, क्वेश्चंस थे वो बढ़ा दिए, संशोधन ये हुआ। पुराने जो नोटिस था, जो नोटिस फरवरी में निकाला गया था, फरवरी के एंड में निकाला गया था, उस नोटिस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वेटेज था। वेटेज 60% 40% था। टेक्निकल जो था आपका वो 60% था, जो आपका नॉन टेक था वो 40% था। लेकिन क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो थोड़ा अलग था, जिसको कि चेंज कर दिया गया है। क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूशंस को चेंज कर दिया गया है। पहले 100 क्वेश्चंस का पेपर था, अब 140 क्वेश्चन का, पहले था 100 का, अब कितना हो गया 140 का। पहले थे 8 क्वेश्चन थे राजस्थान जीके के, अब हो गए 36, तो वेटेज तो आपका बढ़ गया ना। पहले जी के रिलेटेड विद एवरीडे साइंस के थे 8 क्वेश्चन, अब कितने हो गए क्वेश्चंस कितने हैं 12, तो वेटेज बढ़ा, क्वेश्चंस बढ़े, टाइम का ड्यूरेशंस जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो हमारे पास जो पेपर होगा, पेपर की बात की जाए तो उस नोटिस में जो लिखा हुआ है कि पार्ट ए और पार्ट बी जो है वो सेपरेटली टाइम आउट है, यानी कि जब आप 60 क्वेश्चन 60 मिनट मिल रही है, जब आप पार्ट ए सॉल्व कर रहे होंगे तो पार्ट बी आपका खुलेगा नहीं, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। और साथियों मेरे RVNL में 5 ऑप्शन आते हैं, 4 नहीं 5 ऑप्शन, कितने 5 ऑप्शन, जिनमें एक ऑप्शन सही होगा, राइट आंसर आपका वही होगा। तो आपको पार्ट ए में 60 क्वेश्चन मिले, पार्ट बी में आपके 80 क्वेश्चन मिले, लेकिन ध्यान रहे कि जब आप पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं तो पार्ट बी आपका ओपन नहीं होगा, पार्ट बी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यानी कि पार्ट ए के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पार्ट बी के नहीं करोगे, कि आपको पार्ट ए के 60 मिनट मिले, 60 मिनट में आप जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कीजिए, बाकी जब पार्ट बी ओपन होगा तो 60 क्वेश्चन उसमें मिलेंगे, तो पार्ट बी आपको 60 क्वेश्चन का मिल जाएगा। और टोटल कितने हो गए 120 मिनट, 120 मिनट में आपको कितने 140 क्वेश्चन सॉल्व करने। लेकिन पार्ट ए पार्ट बी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। साथियों 5 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से एक आपका आंसर सही होगा, और यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी है, प्रत्येक रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। नोटिस में आप नोटिस डाउनलोड भी कर सकते हैं, नोटिस आपको डाउनलोड के लिए ऑप्शन दिया जाएगा, तो पेनल्टी के रूप में आपको 1/4 आपका काटा जाएगा, और टोटल टाइम ड्यूरेशन 120 है। साथियों एक चीज सबसे बड़ी समस्या, तो ये तो हुई आपकी स्कीम के एग्जाम की, एग्जाम का स्कीम क्या है, 200 नंबर, 140 क्वेश्चन, 120 मिनट, ये आपका एग्जाम स्कीम है। साथियों एग्जाम डेट फाइनल नहीं हुई अभी तक। एग्जाम डेट फाइनल क्यों नहीं हुई है? क्योंकि अभी कोरोना वायरस महामारी चल रही है। तो आपसे निवेदन है कि कृपया करके भ्रमित ना हो, क्योंकि 14 तारीख का जो नोटिस है उसमें साफ लिखा हुआ है कि एग्जाम डेट्स विल बी फिनिश्ड फाइनलाइज्ड डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सेंटर्स ड्यूरिंग कोरोना पैंडामिक, डेट्स ऑफ अदर कंपिटेटिव एग्जाम्स एंड एंट्रेंस एग्जाम ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस, सच डेट्स विल बी नोटिफाइड ऑन वेबसाइट ऑफ ईच विद्युत निगम। तो भ्रमित ना हो, अभी भ्रमित नहीं हो कि एग्जाम डेट कोई बोलता है 10 तारीख को एग्जाम है, 15 तारीख को, जब तक आपको ऑफिशियल नोटिस नहीं मिल जाता तब तक एग्जाम डेट के लिए भ्रमित ना हो, यह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो साथियों मेरे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, सरकारी बिजली कंपनियों की भर्ती परीक्षा में आएंगे राजस्थान जीके के 36 अंक के 36 क्वेश्चन, यह आज का जो भास्कर है उसका हेडलाइन था कि सरकारी बिजली कंपनियों की भर्ती परीक्षा में राजस्थान जीके से आएंगे 36 अंक के 36 प्रश्न, पार्ट ए प्रोफेशनल नॉलेज, पार्ट बी नॉन टेक्निकल नॉन प्रोफेशनल नॉलेज, टोटल 140 क्वेश्चन। साथियों मेरे अब तक 225,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके हैं, 225,000 अभ्यर्थी
करीब 2.25 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके हैं। अभी 21 तारीख इसकी लास्ट डेट और है, 21 जून तक देखते हैं कितने आवेदन आते हैं, हम उस बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो मेरे साथियों, ये था आज का हमारा वीडियो, और हमारे साथ बने रहिए। और साथियों, ऑल रिक्वायर्ड लिंक्स अवेलेबल इन वीडियो डिस्क्रिप्शन जरूर देखें, उसमें आपको सभी लिंक्स के जो भी रिक्वायर्ड लिंक्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। तो साथियों, मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल यूवी कंपटीशन को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन करें। और साथियों, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन दबाएं जिससे हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और साथ ही साथ कमेंट जरूर करें, आपका कमेंट हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार की मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, तो मैकेनिकल इंजीनियर से संबंधित किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, गुड लक। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ हमारे यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशन।